वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए गई टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर के सिर में गहरी चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। इंस्पेक्टर काशीपुर द्वारा की जा रही है। इस मुकदमे में तीन मुलजिम सोभा, उनका बेटा सिमरनजीत सिंह और एक अनिल जाटव जो है वांटेड चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पिछले सीआरपीसी का नोटिस जो दिया गया था अभिवेचक द्वारा, इनकी गिरफ्तारी के लिए जब इनके घर पे पतरामपुर चौकी इंचार्ज द्वारा दबिश दी गई तो इन्होंने जो है पुलिस पार्टी के ऊपर रॉड से हमला कर दिया। इनके परिवार के सभी लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया, जिससे पतरामपुर चौकी इंचार्ज के सिर पर चोटें आ गई। उसके बाद मौके पर ही पुलिस बल व पुलिस पार्टी द्वारा इनको गिरफ्तार कर दिया गया है और थाने पर लाकर उचित कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ बम्बा लिख दिया गया है, जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।